रुड़की में नगर निकाय चुनाव के परिसीमन और बढ़ती महंगाई के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कलीम खान ने प्रदेश सरकार पर नगर निकाय के परिसीमन में भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार निकाय चुनाव का परिसीमन अपने तरीके से कर रही है, जो संविधान के विरुद्ध है। आज बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महंगाई को रोकने के लिए लाख दावे किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे देश की पूरी जनता त्रस्त है। क्राइम स्टोरी के लिए मिक्की जैदी की रिपोर्ट। पहला मुद्दा कांग्रेस पार्टी का यह है कि यहाँ पर नगर निगम का जो परिसीमन हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत तरीके से किया जा रहा है, जनता की भावनाओं के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ की जो आवाम है वो रामपुर के लोग हों या पाटली गुज्जर के लोग हों, वो तमाम लोग रुड़की शहर के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी उन्हें अलग करना चाहती है, शहर की जनता से उन्हें अलग करना चाहती है। उसके खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा होकर यहाँ के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के लोगों ने इकट्ठे होकर पुतला दहन किया है। न्याय को लेकर भाजपा सरकार के नाकामी, जो मोदी सरकार झूठे वादे करते हैं सिर्फ झूठ बोलने के लिए, यहाँ उत्तराखंड सरकार भी झूठे जितने भी है, जितने आज तक अभी तक सरकार होने के बाद भी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, पब्लिक के हित में नहीं करा, लोगों के कर्मचारियों के हित में नहीं करा, कोई भी पूरा उत्तराखंड के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे उनकी अच्छाई कह सके। तो इसलिए नगम को लेकर, परिसीमन को लेकर हमने भाजपा का पुतला कर दिया।